सदाई सेवा कार्यक्रम में आए हुए हमारे विभिन्न विभिन्न संस्थानों के सभी छात्र एवं छात्राएं, सभी युवा नौजवान भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबके इस कार्यक्रम में पधारने पर आप सबका मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज बहुत ही शुभ दिन है जब हम इस सेवा पखवाड़े का शुभारंभ कर रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उत्तराखंड के समस्त देवी देवताओं से उनके स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, वो दीर्घायु हों, सतायु हों और लंबे समय तक हम सबको, पूरे देशवासियों को उनका नेतृत्व प्रदान होता रहे। तो एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाइयों बहनों, स्वच्छता के प्रति आदरणीय मोदी जी की सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सबको प्रेरित करता है कि इसलिए आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम सभी आज इस स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इसकी शपथ भी ली है। ये स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर को संपन्न होगा और इसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जो स्वच्छ भारत का मिशन शुरू किया था, जिसके कारण से देश के अंदर स्वच्छता के प्रति हरेक के मन में एक स्वच्छता के प्रति जागरूकता का भाव उत्पन्न हुआ था, उसके 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह इस ऐतिहासिक और दूरदर्शी मिशन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुंचाया है। पिछले 10 वर्षों में देश भर के अंदर करोड़ों शौचालयों का निर्माण हुआ है, कचरा प्रबंधन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है और सफाई को लेकर आम लोगों में जागरूकता आई है। हमारा उत्तराखंड भी स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को वर्ष 2017 में देश का चौथा ODF राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ था। अब तक राज्य में कुल 5,37,000 से अधिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही 2600 से भी अधिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स, उनका भी निर्माण किया गया है। 9,000 से अधिक गाँव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य पूरा किया गया है और 77 विकास खंडों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की इकाइयां स्थापित कर ली गई हैं। मार्च 2025 तक हमने लक्ष्य रखा है कि राज्य के 100% गाँव में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वच्छता के क्षेत्र में नगर निगम देहरादून के द्वारा भी जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। नगर निगम द्वारा आमजन की सफाई से संबंधित समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु स्वच्छता कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो कि 24/7 चालू रहता है। सफाई सुनिश्चित करने हेतु 8 टीमों का गठन करने, विभिन्न स्थानों पर GVP हटाने और CCTV कैमरे से निगरानी करने जैसे अनेक प्रयास शहर के सफाई अभियान को नई दिशा दे रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 5 सबसे अच्छे शहरों में हमारे राज्य की हमारी राजधानी देहरादून को भी सम्मिलित किया गया है। यह निश्चित ही हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम अपने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरा एवं
प्रदूषण युक्त प्रदूषण मुक्त बनाने में कामयाब रहे हैं। इसी क्रम में अभी जो हमने नीचे स्वास्थ्य शिविर इनका भी उद्घाटन किया है, वह स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, इस वर्ष के स्वच्छता अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता रखी गई है, जिसके जरिए संदेश हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है कि जन जन के स्वभाव और संस्कार में स्वच्छता की भावना होनी चाहिए। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम के बाद हम विकास खंडों के लिए स्वच्छता रथों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शासन प्रशासन के स्तर पर हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन यह प्रयास 100% तभी सफल होगा जब इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित होगी, हर एक जनमन इसमें शामिल होगा। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा, अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। इसलिए मैं आप सभी से आज इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि इसे केवल एक दिन का औपचारिक कार्यक्रम न बनाकर, केवल एक सरकारी अभियान के रूप में इसको न देखकर, बल्कि इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा, अपनी दिनचर्या के जिस प्रकार से हम अनेक भाग करते हैं उस भाग में एक भाग हमको स्वच्छता का भी बनाना होगा। भाइयों बहनों, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए साफ सफाई जितनी जरूरी होती है, उतना ही हमारे जो पौधारोपण हम करते हैं, पेड़ पौधे, उनका संरक्षण भी जरूरी है। इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। पर्यावरण के जरिए हम अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने जो यहाँ पर पौधारोपण किया है और जो स्वच्छता की शपथ ली है, वह हमारे राज्य को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर अपने आसपास साफ सफाई की जिम्मेदारी लें और एक स्वच्छ एवं स्वस्थ उत्तराखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। हम सब बढ़ेंगे ना, बताइए आप सब लोग बढ़ेंगे ना आगे, तो जोर से जरा हाथ उठा के बोलिए, करेंगे ना सफाई, आप सभी साथ देंगे ना इसमें, तो जोर से आवाज कम क्यों आ रही है, आप सभी स्वच्छता को अपनाएंगे ना, अपने आसपास को साफ रखेंगे ना। चलिए बहुत अच्छा, जो सार्वजनिक स्थानों में डस्टबिन में ही कूड़ा डालेंगे ना, अभी आप देख रहे थे यहाँ पर कितना अच्छा वेस्ट से इतने अच्छे अच्छे जो है उन्होंने उत्पाद बनाए, अच्छे अच्छे जो है चीजों का निर्माण कर रहे हैं। आप सभी का मैं उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर अपने शहर और अपने प्रदेश को स्वच्छ रखने में कामयाबी हासिल करेंगे। भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने विश्वकर्मा भगवान की पूजा से भी की है, आज उनका भी आज उनकी जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम जिस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा जी ने और आधुनिक भारत को जिस तरह से निर्माण करने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ले जा रहे हैं, उस दिशा में हम सबको योगदान देना है। और विकसित भारत का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हम सबको विशेष रूप से योगदान देना है। और मैं अपने नौजवान पीढ़ी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो 25 वर्ष हैं, जो ये अमृत काल है, ये अमृत काल हमारे देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और हमारी युवा पीढ़ी का उसमें विशेष योगदान होने वाला है, क्योंकि उनको विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विभिन्न विभिन्न दायित्वों का उनको निर्वहन करना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है और देश के लिए अपना योगदान देना है। एक बार फिर से मैं आप सबको, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को निर्माण और सृजन के प्रतीक
भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की भी शुभकामनाएं देने के साथ ही आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।